मुझे भूख नहीं लगती, जाने क्या हुआ मुझको। कहीं आपको भी तो ये प्रॉब्लम नहीं है? और अगर है तो आप जाइए, जाकर अपना लीवर चेक कराइए। जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, हो सकता है आपके लीवर में सूजन हो, उस केस में भी भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती है। ओके, तो सबसे पहले जाएंगे, जाकर LFT कराएंगे। LFT में आपका SGOT SGPT गड़बड़ आएगा, और हो सकता है तो अल्ट्रासाउंड कराइए। ठीक, मोस्टली ऐसे केस में क्या होता है, लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो इस केस को बोलते हैं हेपेटोमगैली। ओके, या हिंदी में बोलेंगे तो लीवर में सूजन। सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो डाइट की बात करते हैं। डाइट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाइट में फैट डाइट कट कर लेनी है, बिल्कुल फैट नहीं लेना है, और प्रोटीन डाइट कम कर लेनी है। मोस्टली अरहर की दाल, मसूर की दाल, राजमा, ठीक है, और छोले, ये आइटम बंद कर देने, और नॉन वेज बंद कर देना है। ठीक है, ये तो क्या हो गया डाइट के बारे में। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में आपको पपीता खाना है, ठीक है ना, और ग्रीन वेजिटेबल खानी है सारी। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन की। ये मेडिसिन में सबसे बेस्ट साल्ट इसके लिए होता है L-ornithine, L-aspartate, और इसके साथ साथ अगर लेना चाहें तो सिलीमेरिन और मेटाडोक्सिन और प्लस फोलिक एसिड और B6, ये सारे इसमें साल्ट्स अच्छे हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्रांड की, तो ब्रांड्स में मार्केट में क्या अवेलेबल है। देखिए एलोपैथिक में जाते हैं, आयुर्वेदिक में जाते हैं। आयुर्वेदिक में सबसे बेस्ट जो है LIF-52, ठीक है, LIF-52 में भी टैबलेट ले सकते हैं और सिरप ले सकते हैं। वैसे मोस्टली ड्रॉप्स आती हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं LIF-52 के लिए, ठीक है ना। तो ड्रॉप्स 2 TSF BD ले सकते हैं, या फिर 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम ले सकते हैं LIF-52 की। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका इसमें देखा गया है। ओके, और इसके साथ साथ LIF-52 के साथ अगर और आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो एक आता है हेपरिस्ट, वो भी अच्छा काम कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलोपैथिक। उसमें 3 ब्रांड्स मोस्टली है मार्केट में, जैसे एक है हेपामर्ज, ठीक है, वो अच्छा काम करती है टैबलेट भी और सिरप भी। हेपामर्ज में 3 साल्ट हैं, ठीक, L-ornithine, L-aspartate और पैंक्रीटिन, ठीक है ना। बाकी उससे ऊपर जाते हैं तो उसमें हम जाएंगे रिएप्टिन की तरफ को। ओके, रिएप्टिन में मेटाडोक्सिन और सिलीमेरिन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और उससे भी अगर ऊपर जाना है, रिएप्टिन से भी ऊपर जाना है, तो मैं आपको बताऊँ एक मेडिसिन आती है मेरीटोक्स। ओके, मेरीटोक्स में क्या, ये सारे आइटम तो हैं ही, जैसे कि L-ornithine, L-aspartate, ठीक, और पैंक्रीटिन, और पैंक्रीटिन के साथ साथ सिलीमेरिन और मेटाडोक्सिन, फोलिक एसिड और B6, विटामिन भी इसमें मेरीटोक्स में है। इसके साथ साथ इसमें गिलोय का रस भी आता है। ओके, और गिलोय का रस बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है इसके अंदर, ठीक है, कुछ नेचुरल चीज़ें भी इसमें हैं, तो मेरीटोक्स बेटर रहेगा। ओके, बेटर तो अगर तीनों ही हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लीवर एंजाइम गड़बड़ है, कितने लीवर में सूजन है, कितना आपको भूख कम लग रही है, ठीक है। और जहाँ तक भूख लगने की बात है, तो भूख कम लगती है तो उसके लिए हम सिरप यूज करते हैं। मोस्टली आता है मार्केट में साइपोन आता है, एप्टीवेट आता है, एप्टीमोर आता है, एप्टीमस्ट आता है, नॉर्मटोन आता है, ऐसे बहुत सारे सिरप हैं जिनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था भूख लगने के लिए। तो अगली बार अगर भूख कम लगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।